मेरी जोरा जबी पहले मुझे बताइए कि ये कौन सी फिल्म का गाना पंक फिल्म बलराज सानी जी ने गाया था अरे वाह यार नानी जी टू गुड टू गुड अच्छा मैं कहां बैठूं ये इसी कुर्सी थैंक यू अरे रुकिए रुकिए आपके पांव बहुत हसीन हैं इन्हें जमीन पर मत रखिएगा मैले हो जाएंगे ये कौन सी फिल्म का डायलॉग है बताइए बताइए पाकीज़ा फिल्म राजकुमार जी और मीना ओह माय गॉड नानी जी नॉट टू गुड यार आदू ताई वो खाना नहीं खा रहा है उसने बताया था ऐसे कैसे नहीं खाएगा अजी आपको पता है आज मैंने किसी को ना बाल बाल बचाया उसको नहीं नहीं वो मैं आपको बाद में बताऊंगा प्राची फोन छोड़ो और खाने पे जाओ अजी आपको कोई जोक आता है आपको कोई जोक आता है नानी जी याद नहीं आ रहा मैं 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 बताता हूँ ओके एक बार ना एक हस्बैंड वाइफ के बीच में ना झगड़ा हो जाता है तो वाइफ कहती है कि तुम मुझे कभी मनाते नहीं हो तो हस्बैंड क्या कहता है कि तुम्हें कैसे मनाओ तुम दिवाली हो आदू मैंने मना किया था ना ताई अरे अब मैं क्या करूं अगर पापा जी खुद ही चल के आ गई तो बताए क्यों क्यों क्योंकि इसके पाँव होते हैं आ लेना राजा चल ना चल नहीं चाहिए ठीक है प्लेट यहीं छोड़ के जा रही हूँ कम से कम कमरे की स्मेल तो अच्छी होगी डिनर के बाद बताऊंगा आप भी खाइए ना बहुत टेस्टी है बनाने वाले ने बहुत प्यार से बनाया हाँ ना पुत्र ताई 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 ये सब पागल वो मेरा भाई नहीं है जान है जान समझा ये पता है छत नहीं छत के पार आसमान देख रहा है मुझे तो बताना चाहिए था ना हाँ अब ताई पहले से इतनी पैसे की प्रॉब्लम थी और ये कोर्स भी तो कितना महंगा है ना ऊंचाइयां सस्ते में नहीं मिलती बेटा और सपने ऊंचाइयां तभी छुपाते हैं जब उन्हें देखने वाला उनके लिए हालातों से लड़े अपने सपनों के लिए लड़ना पड़ता है समझे और ऐसी रोनी सूरत बनाएगा ना तो सपने आंसुओं के रास्ते आंखों से बह जाएंगे देख मुझे भी रुला रहा है और फिर मैं हूं ना तेरे सपनों को पूरा करने के लिए फिलहाल एग्जाम्स पे ध्यान दे समझा जब इस सब का वक्त आएगा ना तब तक सब ठीक हो जाएगा पर ताई तुम्हें पता कैसे चला अरे बुद्धू राम तूने छुपाया भी तो कहाँ पर अपने कबर्ड में जो तेरी ताई साफ करती है हमेशा लल्लू कहीं का हमारे शहर का ना पानीपत रखना चाहिए था हमेशा पानी ही गिर रहा होता है जाऊं तो कहां जाऊं उससे बेटर ये है कि साची के केस के लिए रिसर्च कर लूं यहां बहुत कुछ है करने के लिए जीवी मुझसे पूछ लिया होता मौसम ठीक हो गया लगता है आज मैं पैराग्लाइडिंग कर सकता हूं चलो ना जीवी मेरे साथ कहां जन्नत देखने
कैसी जन्नत? अरे देखोगे तो समझोगे ना जीवी, कैसी जन्नत? नहीं नहीं दिल्स, मैं यहीं पर ठीक हूँ, मुझे ये जन्नत नहीं देखनी। नहीं मुझे देखनी है तुम्हारे साथ। जीवी पहले डिनर करने जाएंगे, उसके बाद जन्नत, उसके बाद लॉन्ग वॉक, कॉफी और दिल्स। ये काफी डेंजरस प्लान है। ओह जीवी, मैंने कितने महीनों से मूवी नहीं देखी है। मूवी? हाँ मूवी। ओह नॉटी, तो तुमने क्या सोचा? हाँ यार दिल्स, पर कैसा लगेगा? हम दोनों मूवी देखेंगे, एंजॉय करेंगे, जबकि हमारे पड़ोस में इतना टेंशन चल रहा है, और ये लोग क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में कि कैसी पड़ोसी है, राइट? हाँ यू आर राइट डीवी, यू मीन हम अपने पड़ोसियों को भी साथ लेकर चले? बिल्कुल, वरना हम लोग जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, मुझे जन्नत टूट देखनी है। वैसे तुम ठीक कह रहे हो, हमें अपने पड़ोसियों का ध्यान रखना चाहिए। करेक्ट। मैं उल्का को अभी बुला कर लाती हूँ। उल्का? उल्का नहीं, उल्का नहीं। हा? अरे मैं तो उन पड़ोसियों की बात कर रहा हूँ जो टेंशन में है। यू मीन आजी नानी? यस। नहीं नहीं नहीं, आजी नानी तो कभी घर से बाहर निकलती नहीं दीवी, और वो आदू कॉलेज गया होगा, प्राची कभी घर पे होती नहीं है, और साची, साची एंड मूवीज नेवर। अरे दिल्स, तुम तो किसी का भी दिल जीत सकती हो, और अगर साची आएगी तो मैं केस के बारे में भी बात कर लूंगा, राइट? मैं साची को पटा कर लाती हूँ, ओके? गुड गर्ल। लगी रहो दिल्लो भाई, लेकिन ये जन्नत तुम्हें कभी नसीब नहीं होगी, क्योंकि साची जी को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। थैंक यू सो मच मिस्टर गर्ग, इस केस को एक्सेप्ट करने के लिए। इस केस पे मैं कल से काम शुरू कर दूंगा। ओके सर, मेरा बहुत बड़ा टेंशन दूर हो गया है आपको। हाय। अरे हेलो। हेलो। एक मिनट ना। मिस प्रभु, मैं चलता हूँ। ओके चलिए ना। मैं मुग्धा देखो साची, मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। क्या है? केक, चॉकलेट केक। ओह वाओ, हाउ नाइस। मैंने अभी अभी बेक किया है। टेस्ट करूँ? हाँ ऑफ कोर्स। कैसा है? वेरी नाइस डियर। ये सब मेरे लिए है? ऑफ कोर्स, ये पूरा तुम्हारे लिए है। सच सच बताओ, क्या चाहिए मुझसे दिल्लो रानी? अरे कुछ भी नहीं साची, बस मैंने ये केक बेक किया, सोचा तुम्हें थोड़ा खिला दूं। हाउ स्वीट, थैंक यू सो मच। घर जाके खाएंगे सबके साथ। हाँ बस घर के लिए निकल ही रही हूँ मैं। हाँ साची, मुझे थोड़ी सी टेंशन है। क्या हुआ? मेरी शादी कब होगी? ये जवानी दीवानी कब होगी? तुम्हें कोई अच्छा लड़का मिल जाएगा, जल्दी मिलेगा, ट्रस्ट मी। मुझे मिल गया अच्छा लड़का, और आज हम दोनों रोमांटिक डेट पे भी जाने वाले हैं। कौन? टीवी। टीवी? टीवी, are you sure? Yeah, I'm sure, साची। और हम दोनों ना आज रोमांटिक डेट पे जा रहे हैं, तो सोचा तुमसे थोड़ी सी हेल्प ले लूं। मैं क्या हेल्प कर सकती हूँ? हम लोग मूवी के लिए जा रहे हैं, साची तू भी चलना। क्या? नहीं नहीं दिल्स, तुम्हें पता है ना मुझे मूवीज में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन मेरी लव लाइफ में तो है ना साची, देख मेरी लव लाइफ शुरू होने से पहले दी एंड हो जाएगा, प्लीज चलना मेरे साथ। दिल्स, दिल्स मुझसे नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा, आई एम सॉरी। अच्छा एक सेकंड, मैं साची प्लीज यहां। साची देखो देखो, प्लीज स्टॉप इट साची, स्टॉप इट साची, प्लीज अंडरस्टैंड साची। अगर अकेले अकेले उसके साथ मूवी देखने गई, सारे लोग गॉसिप करेंगे कॉलोनी में। दिल्स, दिल्स मुझे बहुत टेंशन है। क्या टेंशन साची, तुमने ऑफिस में उस आदमी से कहा ना तुम्हारी टेंशन कम हो गई है। हाँ दिल्स, बट मैं। अरे बट क्या, मेरी रोमांटिक डेट की डेथ मत करो प्लीज। अरे पर क्या साची, तुम मेरी अच्छी दोस्त हो ना, दोस्त की मदद नहीं कर सकती? मेरी जन्नत और मन्नत मुझसे मत छीनो प्लीज। दिल्स, नो मतलब नो, आई एम सॉरी। अरे साची, मुझे बार बार ना बोलना अच्छा नहीं लगता बाबा, प्लीज। नहीं मैं नहीं आऊंगी। आजी नानी जी, कैसा रहा आपका दिन? गुड। चलो फटाफट चाय बना के लाती हूँ। हाँ, और मैंने तेरी ड्रेस भी निकाल के रखी है। ड्रेस किसलिए? अरे तो वो दिल्लो के साथ पिक्चर देखने जा रही है ना, आज सुबह को ही तो डिसाइड हुआ था। नानी मैं कहीं नहीं जा रही।
क्यों नहीं जा रही है बड़ा? अरे दर, कहीं बाहर निकला कर, घूमने जाया कर, तू हर वक्त काम में लगी रहेगी तो कैसे चलेगा पुत्र? पर मैं पर वर कुछ नहीं, देख हम इस घर के बड़े हैं, है ना? हाँ, तो हम बड़ों ने डिसाइड किया है कि आज तू पिक्चर देखने भी जाएगी और घूमने भी जाएगी, बस। बड़ा, अरसा हो गया बड़ा तुझे बाहर गए हुए, जा ना बड़ा, जा ना। मैं जा, चाय बनाती हूँ। हेलो। हेलो आजी। प्राची बोल। आजी मैं आज थोड़ा लेट आऊंगी। क्यों? वो क्या है ना, आज मेरे ऑफिस में कॉन्फ्रेंस है और उसमें मेरा होना बहुत जरूरी है, बस इसीलिए। अच्छा ठीक है, लेकिन रात को 8:30 बजने से पहले आ जाना, देर मत करना। आजी अगर 8 बजे तक खत्म हो जाएगा तो मैं आ जाऊंगी, ठीक है? बेटा मैं पुराने जमाने की हो सकती हूँ, लेकिन पंचगनी में रात के 8 बजने के बाद सिर्फ पुलिस और डॉक्टर अपने ड्यूटी पर रहते हैं और बाकी के लोग टाइम पास करते हैं। आजी बाय। नहीं 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 नानी, मुझे ठीक नहीं लग रहा है ऐसे रात को जाना। पर इसमें ठीक नहीं लग रही, आज जरा देरी से आ रही है, कोई कॉन्फ्रेंस है उसकी। अरे लेकिन उसने मुझे फोन करके क्यों नहीं बताया? दिल्स नहीं, अब तो मैं बिल्कुल भी नहीं आ सकती। साजिब नहीं 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 नहीं, अरे आजी और नानी को अकेले छोड़ के मैं नहीं आ सकती। क्यों भाई, हम क्या कोई छोटे छोटे बच्चे हैं? हाय एवरीवन, क्या चल रहा है? बस देख पुत्र, मैं तुझे बताती हूँ पुत्र, ये जो तेरी ताई है ना, इसने बाहर जाने का प्रोग्राम बनाया था लेकिन हमारी वजह से इसने कैंसिल कर दिया। आजी नानी, मैं आप दोनों को छोड़ के अकेले कैसे जा सकती हूँ? नानी इसका मतलब हम तेरे पैरों की बेड़ियां हैं। हाय रब्बा, तू हमें उठा क्यों नहीं लेता? कम से कम हमारी बच्ची चैन से जी तो पाएगी हमारे बगैर। नानी क्यों ऐसे बोल रहे हो आप? आजी प्लीज बोलो ना। सही कह रहे हैं सुमन। आजी आप ही, खाने का क्या होगा? ओहो साची, मैंने पूरा डिनर बना दिया है, डोंट वरी। और आजी नानी का ख्याल मैं रख लूंगा। अच्छा तेरा ख्याल कौन रखेगा? हम है ना, हम है ना, एक दूसरे का ख्याल रखेंगे ना। रखेंगे ना, रखेंगे। जाना पुत्र जाना, जाना बड़ा, तैयार हो जाना बेटा, फटाफट जाना साची, प्लीज गो, टाइम मत वेस्ट कर, चल। ओह नो, ओह यस टीवी, हमारी आउटिंग का प्लान फाइनल है, चलो रेडी हो जाओ। दिल्स दिल्स दिल्स, कहीं ये आउटिंग का प्लान शाउटिंग का प्लान ना बन जाए। मैं ओहो टीवी, साची बहुत स्वीट है, बिल्कुल मेरी तरह, शी इज जस्ट लाइक हनी। हनी तभी तो वो मधुमक्खी टाइप डंग भी मारती है। यार ये साची मान कैसे गई? टीवी साची बर्फ जैसी है, थोड़ा सा इमोशनल कर दिया, पिघल गई। चलो तुम रेडी हो जाओ, टाइम वेस्ट मत करो। अरे मैडम बर्फ मुझे तो सिर्फ फायर ही फायर करती है। चलो बहुत मजा आएगा फिल्म देखने के लिए। यस। देखो मैं कैसी लग रही हूँ? फाइन। ब्यूटीफुल। यस यस। हाँ। हाय। 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 चले? मैं चलाऊँ? नहीं नहीं नहीं। तुम पीछे बैठो। हाँ चलो ना, दोनों पीछे बैठते हैं। चलो। नहीं नहीं नहीं, डिल्स तुम आगे बैठो मेरे साथ। चलो चलो आगे आओ। ओके। अरे अरे आराम से। क्यों? दद्दू की तबीयत खराब है? शेर सिंह के पिछले टायर में हवा थोड़ी कम है। सॉरी दद्दू, गेट वेल सून। अच्छा एक बात और, हम जा तो रहे हैं
लेकिन पिक्चर के बीच में कोई बात नहीं करेगा, ओके? और जो भी जरूरी काम हो वो पिक्चर शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाने चाहिए। ओके। और एक बात, कोई बीच में उठ के नहीं जाएगा और फोन तो साइलेंट पर प्लीज, और मेरी सीट मैं खुद चूज करूंगी। यस मैम, यस मैम। दिल्स, तुम कभी स्कूल पिकनिक के लिए गई हो? हाँ, क्यों? पता नहीं यार, आज वो दिन बहुत याद आ रहे। थैंक यू। मेरे साथ ही बैठना। सीट कहाँ है? हाँ हाँ, जाओ पॉपकॉर्न तो लाना भूल ही गए। विच फ्लेवर? टोमेटो। ओके। दिल्स, मैंने कहा था ना कि पिक्चर के बीच अरे में। अरे पिक्चर अभी शुरू नहीं हुई और आपने कहा था कि बीच में उठकर मत जाना। कम ऑन यार, बिना पॉपकॉर्न के फिल्म देखना ऐसा है जैसे बिना गर्लफ्रेंड के डेट पर जाना। नो नो, आई मीन बिना सोडे के, नहीं नहीं, वो बिना तड़के की दाल। राइट, तो मैं लेकर आता हूँ। ओ सॉरी 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 सॉरी। इट्स ओके, इट्स ओके। दिल्स, सच जंगली दोस्त है तुम्हारा, देखो उसे। साची, देख ही तो रही हूँ, इतना क्यूट है मेरा टीवी। तुम्हें मैंने कहा था ना बीच में आके बैठने के लिए, आओ तुम बीच में आओ। नहीं नहीं नहीं, मैं क्या करूँ, तुम ही जाकर बैठ गई, और वैसे भी मैं बीच में नहीं बैठूंगी। वो क्या है ना, मेरा ये वाला प्रोफाइल अच्छा नहीं, टीवी को ये वाला प्रोफाइल दिखाना है दिल्स, वो ज्यादा अच्छा है। मैं उधर आ जाऊं। बैठ जाओ साची। आ गया आ गया। अरे सॉरी 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 सॉरी। एक और आप लेंगे? थैंक्स। ट्रेलर को दिखाएगा? बजने वाले हैं। प्राची अभी तक नहीं आई, वैसे उसे बोला था मैंने 8:30 बजे तक आ जाए, लेकिन नहीं आई। उसकी कड़ी लेट चल रही होगी। आजकल के बच्चे समय से आगे भाग रहे हैं और ये एक है जो लेट चल रही है। इस साचे आने से पहले उसे आ जाना चाहिए, लेकिन नहीं। वो आप इतनी चिंता ना करो, आ जाएगी, क्यों इतने परेशान हो रहे हो? आप बैठ जाओ। देखो, बोलने के बाद भी अगर बच्चा समय पर ना आए ना, तो वो बात चिंता करने की ही होती है। बैठती हूँ। दीदी, हीरो की स्माइल बहुत प्यारी थी ना, बिल्कुल तुम्हारी तरह। पिक्चर देखने में आप और मैं ना एकदम एक जैसे, आप भी पिक्चर उतने ही ध्यान से देखती हैं जितना कि मैं। I mean, जितना ध्यान से मैं अपनी लॉ की किताबें पढ़ता हूँ। साची, आजकल है ना डीवी लॉ की बुक्स बहुत ध्यान से पढ़ता है। और आप खाती भी उतने ही ध्यान से जितना कि मैं भी आप ही की तरह इसी एटीट्यूड में खाता हूँ। डू नॉट डिस्टर्ब मी। एक बाइट लिया 10 बार चबाया, नो बात करना, नो मुस्कुराना, पूरा ध्यान सिर्फ खाने में लगाना, है कि नहीं साची जी? मैं दूसरों को डिस्टर्ब करने में बिलीव नहीं करती। मैं भी नहीं,
अरे मैंने तो अपना फोन भी स्विच ऑफ कर दिया था, ये देखिए। इट्स ओके डीवी, कभी कभी होता है, इट्स ओके। वो टच स्क्रीन है ना, तो टच ही हो गया।